गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रेडिशनल डिज़ाइन में लेंगे तंचुई साड़ी। वैसे तो सभी ट्रेडिशनल साड़ी सब स्टेट्स की आप लोगों को पता होंगी, लेकिन उसमें से एक है आज तंचुई साड़ी। ये ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से बनाई गई जाती है, आज भी बन रही हैं। इसमें वोवन डिज़ाइंस होते हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा वेफ्ट तथा एक्स्ट्रा वाफ के कई धागे ले जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसकी सूरत में हुई थी और इसको बनाने वाले जो थे वो तीन भारतीय पारसी भाई थे जिनका कि नाम चोई था, और उनके नाम पर इसकी तंचुई साड़ी का नाम पड़ा। ये इस डिज़ाइन कुछ इस तरह की बनती है कि वह फाइन मिनीचर आर्ट की तरह लगती है। तंचुई की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। यह एक उदाहरण है उस तरह की बुनाई का जो कि फाइन मिनीचर से मिलता जुलता है। इसका उद्गम तीन भारतीय पारसी भाइयों द्वारा हुआ जिसका कि नाम चोई है, जिन्होंने कि इस हस्तशिल्प को चीन से सीखा था और सूरत में जो कि गुजरात में है इसकी प्रैक्टिस की थी। इससे हमें पता चलता है कि इसका उद्गम स्थल सूरत हो गया, जो कि ब्रोकेट का उद्गम स्थल भी है। इस कपड़े का नाम इन तीनों के नाम चोई से टेन कॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेन थ्री इन गुजराती के नाम पर पड़ा। बाद में इसे तंचुई कहने लगे। इन साड़ियों का सटीन पृष्ठ भूमि रहती है और एक्स्ट्रा वेफ्ट धागे से कपड़े पर डिज़ाइन डाली जाती है। क्योंकि तंचुई की साड़ी फाइन मिनीचर से मिलती जुलती है, अतः इसकी डिज़ाइंस बहुत ही बारीक होते हैं। इसकी बुनाई की तकनीक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक या दो या उससे अधिक ताना तथा दो से पांच बाने के रंग को भी लेते हैं। साड़ियाँ बहुत ही लाइट वेट एवं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा धागे ऐड करते हैं जिससे कि साड़ी का एम्ब्रॉयडर्ड इफेक्ट भी आता है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि जो साड़ी की डिज़ाइंस हैं वो इतनी बारीक इतनी भरी हुई हैं कि वह हमें एम्ब्रॉयडर्ड इफेक्ट भी दे रही हैं। तंचुई की साड़ी में हमेशा फ्लोरल डिज़ाइन होते हैं जिसमें पक्षी कहीं कहीं पर डाले जाते हैं। ज़्यादातर साड़ी की सतह ब्राइट ब्लू, पर्पल, ग्रीन या लाल होती है, जिसमें कि धारीदार वीविंग की डिज़ाइंस डाली जाती हैं। उड़ते हुए पक्षी, मुर्गे का जोड़ा, बीच में फैले हुए फूल आदि ज़्यादातर डिज़ाइन साड़ी में देखने को मिलते हैं। कुछ साड़ियों में हमें पल्लू की ओर मोर का झुंड, फूलों के गुच्छे या फूलों की टोकरियां भी देखने को मिलती हैं। कभी कभी तंचुई की साड़ियां हमें शिकार के दृश्य सब जगह ऐसा फैला हुआ देखने को भी मिलता है। तंचुई की साड़ी में कहीं कहीं पर चांदी के धागे का भी प्रयोग किया जाता है। साड़ी देखने में बहुत ही सुंदर व डेलिकेट लगती है। इस तरह की साड़ी विवाह के अवसर पर काम में ली जाती है तथा दुल्हन द्वारा भी पहनी जाती है। आधुनिक युग में बनारसी साड़ी की अपेक्षा में तंचुई की साड़ी का प्रचलन ज़्यादा अधिक है। इसमें डिज़ाइन बहुत ही फाइन व पतले होते हैं तथा साड़ी जो होती है वो बहुत ही लाइट वेट होती है, जिसको कि पहनना बहुत ही आसान होता है।